स्वागत है आप सभी का। हमारा आज का वीडियो बेस्ड है कुछ उत्सर्जी पदार्थों के ऊपर। ये पार्ट टू है। आपने देखा था कि पार्ट वन के अंदर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट जो एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स थे, जैसे कि अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, जो बहुत कॉमन टाइप के एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में हम लोगों ने बात की थी। आज हम लोग कुछ और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो उन तीन के अलावा भी जीवों में पाए जा सकते हैं, राइट? उनके बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है ग्वेनिन। ये जो ग्वेनिन है वो एक्चुअली स्पाइडर्स या जो मकड़ियां होती है उनका उत्सर्जी पदार्थ है, ओके? और ये जो ग्वेनिन होता है वो जल में अघुलनशील होता है, मतलब इट्स इनसॉल्युबल इन वॉटर, और इसीलिए इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और ये जो ग्वेनिन है, जो कि मकड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ है, ये बनता कैसे? तो स्पाइडर्स जो होती है वो क्या करती है, अमोनिया को ग्वेनिन में क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, और फिर उसको क्या करती है, एक्सक्रीट करती है, ओके? तो एक बार फिर से मैं बता दूं, ग्वेनिन जो है इट इज द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ स्पाइडर्स, राइट? ये जल में अघुलनशील होता है, इसको शरीर से बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता नहीं है, और जो स्पाइडर्स होती है वो क्या करती है, अमोनिया को ग्वेनिन के अंदर कन्वर्ट कर देती है और फिर उसको शरीर से क्या निकालती है, बाहर निकालती है, ओके? तो ये था स्पाइडर्स का उत्सर्जी पदार्थ। अब आ जाते हैं, एक और उत्सर्जी पदार्थ होता है जिसका कि नाम है ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड। क्या काम है, ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड, यानी कि TMO। अब ये ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड जो है वो किसका उत्सर्जी पदार्थ है, तो ये मैराइन मोलस्का जो जीव होते हैं, यानी कि जो समुद्री मोलस्का जीव है, समुद्री क्रस्टेशियंस हैं, और मैराइन टेलियोस्ट फिशेस जो हैं, राइट, यानी कि मैराइन बोनी फिशेस वगैरह जो हैं, उनके अंदर जो है ये ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड नाम का उत्सर्जी पदार्थ ये पाया जाता है, ठीक है? ये जल में क्या होता है, घुलनशील होता है। ये तो आपने देखा था जल में अघुलनशील था ग्वेनिन, लेकिन ये जल में घुलनशील होता है, इट इज सॉल्युबल इन वॉटर, और ये एक ऐसा उत्सर्जी पदार्थ है जो नॉन टॉक्सिक है, विषाक्तता प्रोड्यूस नहीं करता है, टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं करता है। और याद रखना, TMO का निर्माण भी अमोनिया से होता है। अब कैसे होता है, तो अमोनिया का मिथाइलेशन होता है और उसकी वजह से ट्राइमिथाइल अमीन का निर्माण होता है, और फिर ट्राइमिथाइल अमीन का जब ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनता है, ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हम पढ़ रहे थे TMO के बारे में, जो मैराइन मोलस्का, मैराइन क्रस्टेशियंस और मैराइन टेलियोस्ट में पाया जाता है, जल में घुलनशील होता है, नॉन टॉक्सिक होता है, और अमोनिया के अंदर जब मिथाइलेशन होता है तो ट्राइमिथाइल अमीन बनता है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है तो ट्राइमिथाइल अमीन ऑक्साइड का निर्माण होता है, ओके? अब आ जाते हैं एक और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट के बारे में, पढ़ते हैं हिप्पूरिक एसिड। बेसिकली ये जो हिप्पूरिक एसिड होता है ये स्तनधारियों के अंदर पाया जाता है, मैमिलियंस जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, और एक्चुअली क्या होता है कि बेंजोइक एसिड को हिप्पूरिक एसिड के रूप में क्या किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है। लेकिन आखिर ये हिप्पूरिक एसिड बनता कैसे, तो जो बेंजोइक एसिड होता है ना, जब वो कंबाइन करता है किसके साथ में, ग्लाइसिन अमीनो एसिड। ये ग्लाइसिन क्या है, एक प्रकार का अमीनो एसिड है। सो व्हेन बेंजोइक एसिड कंबाइंस विद, बेंजोइक एसिड कंबाइंस विद द ग्लाइसिन अमीनो एसिड, देन हिप्पूरिक एसिड इज फॉर्म एंड देन इट इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी। तो ये जो हिप्पूरिक एसिड है वो स्तनधारियों का एक एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट है। अब आ जाते हैं, एक और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट होता है जो बर्ड्स में पाया जाता है, पक्षियों में पाया जाता है, उसका नाम है ऑर्निथ्यूरिक एसिड। ऑर्निथ्यूरिक एसिड कैसे बनता है, तो ये भी बेंजोइक एसिड से बनता है, बट व्हेन बेंजोइक एसिड कंबाइंस विद ऑर्निथिन, जब बेंजोइक एसिड ऑर्निथिन से कंबाइन करता है तो ऑर्निथ्यूरिक एसिड बनता है, जो कि पक्षियों का, बर्ड्स का एक उत्सर्जी पदार्थ है, ओके? नाउ फ्यू मोर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स, कुछ और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स देखें। क्रिएटिन, क्रिएटिन जो होता है वो किसमें मिलता है, इट इज फाउंड इन मसल्स, पेशियों के अंदर ये पाया जाता है, और इसका निर्माण जो है वो शरीर के अंदर कुछ अमीनो एसिड से होता है, जैसे कि ग्लाइसिन, जैसे कि अर्जिनाइन, जैसे कि मिथाइनिन अमीनो एसिड, ओके? और याद रखना कि जनरली यूरिन के अंदर, सामान्यतया मूत्र के अंदर, यूरिन के अंदर क्रिएटिन जो होता है वो एब्सेंट होता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जो नवजात शिशु होते हैं, जो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, गर्भधारी माताएं होती है, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन्स होती है, और लैक्टेटिंग मदर्स जो होती है, दुग्धपान करवाने वाली जो माताएं होती है, उनके यूरिन के अंदर अक्सर क्रिएटिन की प्रेजेंस देखी गई है। इतना ही नहीं,
बुखार के वक्त में, बुखार जब फीवर होता है, तो जब मसल ब्रेकडाउन होता है, या लंबे समय तक स्टारवेशन के वक्त में, लंबे समय तक कोई भूखा रह जाए तब, या हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर, हाइपरथायरॉयडिज्म मतलब अतिस्रावन, हाइपरथायरॉयडिज्म के केसेस में भी क्रिएटिन जो है यूरिन के साथ में क्या होता है, मुक्त होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्रिएटिन जो कि मसल्स में पाया जाता है, ये भी एक तरीके का एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट हो सकता है। नाउ क्रिएटिनाइन का जो निर्माण है वो किससे होता है, इस क्रिएटिन से होता है। क्रिएटिनाइन का निर्माण क्रिएटिन से होता है, और वो भी कहां पर होता है, पेशियों के अंदर, तो क्रिएटिनाइन का निर्माण जो है वो क्रिएटिन से होता है, इसका निर्माण भी पेशियों में होता है। और क्रिएटिनाइन की यदि मात्रा शरीर के अंदर यदि ज्यादा पाई जाती है, एक नॉर्मल लेवल से यदि क्रिएटिनाइन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, तो ये किडनी डैमेज को दर्शाता है कि हो सकता है कि उस पेशेंट के अंदर आने वाले समय के अंदर किडनी क्या हो जाए, डैमेज हो जाए। और एक और एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट है जिसका नाम है बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन। आप सभी जानते हैं कि बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन जो है वो लिवर के अंदर जो पित्रस होता है उसके अंदर पाए जाने वाले बाइल पिगमेंट्स हैं, और जो वॉर्न आउट आरबीसीज है, मृत आरबीसीज है, उनमें जो स्थित हीमोग्लोबिन होता है, राइट, मृत आरबीसी के राइट जो उसके अंदर स्थित हीमोग्लोबिन है, उसके ब्रेकडाउन से जो निर्मित पिगमेंट्स हैं वो है बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, और इनको भी शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसलिए दे आर ऑल्सो ट्रीटेड एज द एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स। ओके, सो इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स और हेलिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स की बात की थी, जो कि रेस्पेक्टिवली रिलीज करते थे अमोनिया और यूरिया और यूरिक एसिड। आज हम लोगों ने ग्वेनिन जो स्पाइडर्स में पाया जाता है, ट्राइमिथाइल एबीन ऑक्साइड जो मैरीन मोलस्का, मैरीन क्रस्टेशियंस और मैरीन टीलियोस्ट में पाया जाता है, हिप्पुरिक एसिड जो कि मैमल्स में पाया जाता है, ऑर्निथ्यूरिक एसिड जो कि बर्ड्स में पाया जाता है, क्रिएटिन जो कि मैमल्स वगैरह के अंदर देखे गए, क्रिएटिनाइन, राइट, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ये सब एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट्स के बारे में भी हम लोगों ने बात की। सो दीज वर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द एक्सक्रेटिव प्रोडक्ट्स फाउंड इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो दिस वॉज द पार्ट टू। हम लोग एक्सक्रेटरी सिस्टम की पूरी सीरीज लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर, इस बात के ऊपर भी फोकस करेंगे कि अलग अलग तरीके के, अलग अलग कैटेगरीज के, अलग अलग फाइलम के जो मेंबर्स होते हैं उनके अंदर एक्सक्रेटरी ऑर्गन कौन कौन से होते हैं, और ह्यूमन बींग्स के अंदर किस तरीके के एक्सक्रेटरी ऑर्गन होते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। इसी तरीके से वीडियोज को देखते रहिए, इन्हें शेयर करते रहिए, ताकि ज्यादातर लोगों के पास में मेरे वीडियोज पहुंचे। थैंक यू। Thank you.